व्हेन यू डिस्कस अबाउट गायनी कैंसर्स, वी टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, यूट्राइन कैंसर मीन्स यूट्रस का कैंसर और ओवेरियन कैंसर। सो जब भी हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं गायनी कैंसर्स में, तो पहला कैंसर जहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर स्टेज 1, 2, 3 वी कैन अप्लाई दिस टेक्नोलॉजी। एंड द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी इन यूट्राइन कैंसर इज यूट्रस को निकालने के साथ साथ हम इसमें लिम्फ नोड्स निकालते हैं जिसको हम कहते हैं पेल्विक लिम्फ नोड्स। तो जब भी हम पेल्विक लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो पैरों में सूजन आने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है गिव्स अस बेनिफिट इन डूइंग द सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी एंड सेविंग दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिम्फेडेमा। एंड सेकेंड कैंसर जिसमें हम अप्लाई करते हैं दैट इज सर्वाइकल कैंसर, एंड अगेन इन अर्ली सर्वाइकल कैंसर्स। एंड इन सर्वाइकल कैंसर्स वी डू सम रेडिकल सर्जरी, मीन्स आपको थोड़ा एरिया दूर तक निकालना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पैरामीट्रियम एरिया। एंड इट इज ईजियर विद रोबोटिक सर्जरी टू टेक आउट द पैरामीट्रियम बिकॉज इट इज़ अ वेस्कुलर एरिया। और क्योंकि रोबोट में आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिससे ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं, तो यू कैन सेव द ब्लीडिंग। ओवेरियन कैंसर्स में लिमिटेड रोल है आपके रोबोटिक टेक्नोलॉजी का, वो भी अर्ली या बॉर्डरलाइन ओवेरियन कैंसर्स में, नॉट इन ऑल ओवेरियन कैंसर्स। मेनली ओवेरियन कैंसर्स के लिए हम सर्जरी करते हैं जो हम CRS कहते हैं, ओपन मेथड इज बेस्ट फॉर दैट। सो दिस टेक्नोलॉजी इनटू गायनी कैंसर इज फॉर यूट्राइन कैंसर्स विच इज एंडोमेट्रियल कैंसर्स एंड अर्ली सर्वाइकल कैंसर्स विच गिव्स यू बेटर रिकवरी, लेस ब्लड लॉस, फास्टर डिस्चार्ज एंड गुड नॉर्मल एक्टिविटीज और विच डेली एक्टिविटीज।